गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में एक और नए व्लॉग के साथ। तो भाई जैसा कि आपने मसूरी वाली ट्रिप तो देख ही ली होगी, नहीं देखी होगी तो भाई जाके देख लेना, पिछली वीडियोस मसूरी ट्रिप की हैं। और आज जाके गाड़ी निकाल रहा हूँ भाई, दो तीन दिन से इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी मैं क्या बताऊँ। थोड़ा सा चलो भगाता हूँ पहले। आज मैं सोच रहा था क्यों ना इसका एक कॉन्टिनेंटल के साथ ना साउंड कंपैरिजन बना जाए, क्योंकि वो 650 सीसी है और लोगों को भी थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि कॉन्टिनेंटल और बेनेली, क्योंकि ऑलमोस्ट अब बेनेली नई तो आती नहीं है इंडिया में, सेकंड हैंड आती है, तो सेकंड हैंड ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल के प्राइस में ही मिल जाती है हमें। और दोनों ही साउंड के मामले में जानी जाती है, दोनों ही रॉ बाइकें हैं। ये फोर सिलेंडर हो जाती है इनलाइन फोर, वो ट्विन पैरेलल है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, बाकी लोगों को कितना फ़र्क पड़ता है ये चीज़ आज इस वीडियो में दिखा देंगे। हाँ, दिल्ली में चलाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में चला रहा हूँ मैं। इसका दूसरा गियर का एंड कब होगा भैया? और मिरर भी मैंने ऑलमोस्ट लगा ही लिए, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ लगवा ही लिए। निकलने को होती है भैया ये तो। आगे अपने शिवम भाई मिलेंगे तो थोड़ा कॉन्टिनेंटल के साथ इसकी थोड़ी सी मुठभेड़ कर लेते हैं, मुठभेड़। मज़ा आएगा क्योंकि मेरा पहले बहुत मन था मैं कॉन्टिनेंटल लूँ, कॉन्टिनेंटल लूँ। साउंड के चक्कर में मैं कॉन्टिनेंटल पे गया भी, मैंने बहुत सर्च एंड रिसर्च करी भी, पर पता नहीं मेरा इसके ऊपर मन कैसे बना, वो तो मैं वीडियो में बता दूंगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। अपने अमान भाई गए हैं जिनके आपने R15 देखी थी ना, बॉटल ग्रीन कलर की बना रखी थी उन्होंने। इनलाइन फोर का कौन दीवाना नहीं है भाई, मैं यही जानना चाहता हूँ। ये खड़े अपने तो भाई शिवम भाई की अपनी कॉन्टिनेंटल भी आ गई, जिसके अंदर भाई मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया, आरसी से कंपैरिजन भी कर दिया, राइड रिव्यू भी कर दिया, एडवांटेज इवन डिसएडवांटेज मैंने सारी चीज़ें इस पर बना रखी थी ऑलरेडी। तो आप सब लोगों को पता है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला था कि अगर मैं कभी भी कोई बाइक लूंगा ना, या इन फ्यूचर अगर मैं प्लान करूंगा बाइक लेने का, तो कॉन्टिनेंटल मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका साउंड और ये बैठने का जो पोस्चर है ना, मेरे को हमेशा से मेल्ट करता रहा है। पर पता नहीं मेरा कैसे मन मेल्ट हुआ, वो तो आप लोगों को अगली नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि मैंने कैसे ये पहले ली, क्यों मेरा मन पड़ा। तो आज क्या है ना, देखो ये 600 सीसी की है, इनलाइन फोर है, ये 650 सीसी की है, ये ट्विन पैरेलल है। और दोनों के अगर प्राइस कॉस्ट की बात करूँ, देखो ये नई और ये पुरानी, क्योंकि ये नई आती नहीं है इंडिया में, बैन हो रखी है, मतलब बैन के इट मीन्स बंद हो रखी है। क्या है ना, दोनों ये पुरानी ले लो और ये नई ले लो, ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो लोग लेने के बारे में सोचते हैं ना तो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मैं ये लूँ या RC 390 लूँ, क्योंकि आपको इनलाइन फोर मिल जाता है, एक सुपर बाइक वाला फील मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भी मिल जाती हैं। और कॉन्टिनेंटल तो अपने अंदर एक है ही अजूबा। तो फटाफट एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं, जिस पर्पज़ पर मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरा कॉन्टिनेंटल लेने का भी मन यही था कि इसके साउंड ने मुझे मेल्ट कर दिया था। एक बार मैं इसका एग्जॉस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर भाई गुरुसेवक का लगा बिगसॉट एग्जॉस्ट, जो कि SS वाला लगा है, मतलब स्टेनलेस स्टील, जिसकी लाइफ टाइम वारंटी रहती है। और इसके अंदर ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट आते हैं, आप सबको पता है, लेफ्ट में भी आते हैं और राइट में भी आते हैं। यही बात करूँ अगर मैं अपनी गाड़ी की, तो इसके अंदर लगे भाई M4 के एग्जॉस्ट। भाई ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिका है, ओरिजिनल आप सबको पता है कि 1-2 लाख पार कर जाते हैं, तो ये रेप्लिका इसके अंदर लगे हैं और मेरे को लगे हुए ही मिले थे। तो मेरा ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ, मैंने अगर गाड़ी खरीदी तो मुझे लगे लगाए मिले, मुझे एडिशनल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले ना मैं आपको कॉन्टिनेंटल की स्टॉक और आइडल साउंड सुनाता हूँ। फुल बेस जिसे कहते हैं ना बेस, कि आपके कानों में चुभने वाली आवाज़ नहीं है कि हाँ यार ये कान में मेरे चुभेगी, मैं चला रहा हूँ गाड़ी कि मैं लॉन्ग टूर पे जा रहा हूँ तो ये आवाज़ मेरा सर खाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप डीबी क्लियर भी लगा सकते हैं। अब मैं अपनी गाड़ी के सुनाता हूँ। इनलाइन फोर का तो भाई हर को दिवाना है आज के टाइम पे, आपको पता है कि अगर एक छोटा सा फ्लाई बाय भी लग जाए या गाड़ी कोल्ड स्टार्ट भी हो जाए तो लोग खुश हो जाते हैं, जो मैं भी था कि लोगों की मतलब गाड़ियाँ देख के मैं भी काफ़ी खुश होता था। तो आज के टाइम पर मेरे पास भी ये आवाज़ अच्छी आती है तो मज़ा आ जाता है। इसका आइडल साउंड सुनते हैं पहले। Woo!
बहुत ज्यादा लाउड है। इसके अंदर थोड़ा सा साउंड और थोड़ा सा बेस ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इनलाइन फोर है, ऑब्वियसली सी बात है वो आएगा ही आएगा। और इसके अंदर ना बेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मतलब बेस इतना अच्छा आ रहा है ना कि आप लॉन्ग टूर अगर 1000-1500 किलोमीटर का भी मार रहे हो ना इसके साथ, तो बिल्कुल भी इसकी जो साउंड है ना आपको परेशान नहीं करेगी कि हाँ चुभ रही है कान में एक टाइम के बाद, या ऐसा कुछ फेस करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। अब छोटा सा एक मैं फ्लाई बाय मारता हूँ कॉन्टिनेंटल के साथ और इसके साथ, तो इस चीज़ से भी आपको डिफाइन हो जाएगा कि दोनों की साउंड कितनी ज़्यादा डिफरेंट है दोनों गाड़ियों की। भाई छोटा सा फ्लाई बाय हो चाहे अपना एरिया हो या कुछ भी हो, हेलमेट इज़ ऑलवेज वियर, हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहला कला मैं जेब में रख लेता हूँ। चलो शिवम भाई पहले आप मार के बिल्कुल भाई ऑनर मारेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे तो भाई इसके आवाज़ से प्यार है बस। तो भाई आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना डिफरेंशिएट है दोनों गाड़ियों में। ट्विन पैरेलल की साउंड अपने अंदर ही का जुबा है और इनलाइन फोर अपने अंदर ही का जुबा है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होती है ना कि किसका साउंड कैसा आता है वीडियो में एक्चुअली में कैसा आता है, अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो फ्लाई बाय में वो कैसा रहेगा या इनिशियल उसका कैसा रहेगा, तो बस वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल गई होंगी। तो होप सो भाई वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।